बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर दरभंगा एक्सप्रेस की चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान घायल यात्री को आरपीएफ के जवानों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने यात्री का परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल दानापुर दरभंगा ट्रेन से सूर्य नारायण भगत अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन के मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सूर्य नारायण पानी भरने ट्रेन से उतरे थे। इसी दौरान ट्रेन का सिग्नल हो गया। प्लेटफॉर्म छोड़ रही ट्रेन को देखकर यात्री हड़बड़ा गया और चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका हाथ स्लिप हो गया और वे ट्रेन से नीचे आके गिर गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया। जीआरपी पुलिस ने मार्ग कायमी करते हुए मामले का जांच लिया। हाँ, दरभंगा एक्सप्रेस में एक घटना हुई है। ये अपने दरभंगा से और ये यात्रा कर रहे थे अपना सूरत की, उधना स्पेशल है उससे, तो उनकी पत्नी और मृतक का नाम है सूर्य नारायण भगत और उनकी पत्नी है ललिता देवी, ये दोनों यात्रा कर रहे थे। तो उनकी श्रीमती से अभी हमने बात किया था, तो उन्होंने बताया कि पति बोला कि मुझे हाथ धोने जाना है, तो वो हाथ धुलने के लिए ट्रेन से उतरा था कटनी स्टेशन में। जब गाड़ी रुकी और हाथ हाथ धुलने के बाद में गाड़ी चलने लगी, उसके हाथ गीला थे। मिसेज घटना को सामने देख रही है और जैसे उसने चढ़ने की कोशिश किया है, हाथ स्लिप हो गए तो अंदर चला गया तो घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए यहाँ कटनी में ले आए थे, और जैसे यहाँ उपचार चल रहा था, उपचार के दौरान उनका डेथ हो गया है। तो अभी डेड बॉडी मर्चुरी में रखी है, संभवतः सुबह PM हो।